हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस किए थे। आई होप कि उसके बेसिस पर जो एक्सरसाइज के एग्जांपल है वो पूरे के पूरे आपको बड़े अच्छे से सॉल्व करते आए होंगे। ओके, आज के लेक्चर में जो है हम और भी ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो चलिए इस नए से लेक्चर को अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉट 360 माइनस थीटा अपॉन सेक 180 प्लस थीटा टैन 90 प्लस थीटा साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब इस वैल्यू के इक्वल्स इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल सा ये एग्जांपल है, एक ही कंसेप्ट पे ये एग्जांपल बेस्ट है, वो कौन सा, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। और आपके फ्रेंड ने अगर ऑड ऑर्डर का मतलब ड्रेस पहना हो तो वो चेंज करना पड़ेगा, इवन है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस ये दो कंसेप्ट लगा दो तो आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कैसे करना है देख लो, LHS हमारे पास ये है, देख लो क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, इसके अपॉन में सेक 180 डिग्री प्लस थीटा टैन 90 डिग्री प्लस थीटा और उसके बाद साइन माइनस थीटा, ये गिवन था, ये लिख लिया। ओके, कंसेप्ट आपको पता है, ये 9 1 9 9 9 9 3 27 9 4 36। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये, 2 से ये, 3 से ये, 4 से करने पर ये आता है। ओके, सो ये कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा मल्टीपल है, 90 मतलब ऑड मल्टीपल है, 1 के साथ मल्टीपल करने के बाद 90 आता है तो ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंज होगा, कोसेक का क्या होगा, सेक थीटा होगा। ओके, इनटू यहाँ पे देख लो साइन 180 माइनस थीटा, सो साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब इवन मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल है इसलिए इसका साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा आएगा। अच्छा, ये साइन थीटा आएगा या माइनस साइन थीटा आएगा, ये चेक करने के लिए हमें आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर इसके पास चलना पड़ेगा। ओके, सो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बोल रहा है, का क्या बोल रहा है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान से देखना इस वाले कंसेप्ट को। सो 0 पाई बाय 2, यहाँ पे पाई दैट इज द 180 और यहाँ पे 270। ओके, सो क्या लिखा है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, सो यहां से निकले ये 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक 180 डिग्री हो गया, बट माइनस थीटा बोल रहा है तो 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा थर्ड, माइनस थीटा बोल रहा है मतलब 180 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो आपका थीटा कहां पे लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो यहां पे साइन का चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, समझे मेरी बात को। ओके, वैसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा, यहां से एंगल निकलेगा तो 90 माइनस थीटा, यहां से लेकर यहां तक 90 है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा कम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, तो इस कोसेक का जो कोई भी सेक थीटा आएगा इसका क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा। कैसे मैं पॉजिटिव निगेटिव ढूंढ रहा हूं आपको ध्यान में आ रहा होगा। ओके, सो कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री मतलब इवन मल्टीपल मतलब कॉट थीटा। ओके, अब 360 डिग्री माइनस थीटा को ढूंढते हैं। ओके, सो यहां से निकले 180 डिग्री, यहां से निकले ये 360 डिग्री, यहां तक ये पूरा राउंड कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री माइनस थीटा बोल रहा है, तो 360 डिग्री माइनस बोल रहा है तो ये ऐसे नीचे आएगा। ओके, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो ये क्या है, कॉट है, तो इसका क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा, माइनस कॉट थीटा ऐसा आएगा, समझे बात को,
आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे. ओके सो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा. अच्छा 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेक थीटा ही लिखना पड़ेगा. बट इसका साइन आपको डिसाइड करना है. तो साइन कैसे डिसाइड करोगे? साइन आपको आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर ये बता देंगे. ओके सो 180 डिग्री प्लस थीटा. सो यहां से निकले, यहां से ये 180 डिग्री, यहां से ये 180 डिग्री प्लस थीटा. अभी माइनस थीटा बोलता तो हम सेकंड क्वाड्रेंट ले लेते थे, बट प्लस थीटा बोल रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा. और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेक का क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस सेक थीटा आ जाएगा. ओके अगर टैन होता तो हम पॉजिटिव लिख देते. ओके सो टैन 90 डिग्री प्लस थीटा. टैन 90 प्लस थीटा सो इवन ऑड मल्टीपल है, सॉरी ये ऑड मल्टीपल है. सो टैन का क्या आएगा? कॉट थीटा आएगा. बट इसका साइन क्या आएगा बच्चों? वो देखना है. वो देखने के लिए 90 प्लस थीटा, तो यहां से लेकर यहां तक ये 90 होता है, ये सबको पता है. ओके 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. माइनस थीटा बोला होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता था. 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, ये तो ठहरा टैन. तो इसका भी क्या आएगा? माइनस माइनस कॉट थीटा आएगा, माइनस कॉट थीटा आएगा. ओके उसके बाद साइन माइनस थीटा, ये सबको पता है कि साइन माइनस थीटा ये क्या होता है? माइनस साइन होता, माइनस साइन थीटा होता है. तो इसका आएगा माइनस साइन थीटा. ओके क्या क्या कैंसिल हो रहा है ध्यान से कैंसिल कर दो. ओके ये निगेटिव में यहां पे लेके आता हूं. उसके बाद ये सेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ गया अपॉन में. ये माइनस प्लस हो जाएगा. उसके बाद ये माइनस रहा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा. ओके जो बचा है वो लिख लो, सेक थीटा कॉट थीटा साइन थीटा. ओके सो दिस गेट कैंसिल, दिस गेट, दिस गेट कैंसिल, दिस गेट कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस. सो ऐसे एंडिंग में लिख लेना आपकी कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या है? सेक, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा टैन, टैन 90 डिग्री प्लस थीटा साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू वन. और इसको एक बक्से में बंद कर देना, इसको एक बक्से में बंद कर देना. ओके सो ये रहा ये वाला आपका प्रॉब्लम. बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस कंसेप्ट समझनी थी ये वाली और इवन ऑड वाला मल्टीपल. ओके सो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. नेक्स्ट ये वाला प्रॉब्लम देख लो, सेम ही प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें. कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा, अभी क्या था? 90 माइनस थीटा ऐसा कुछ तो भी था. 90 को उन्होंने पाई बाय टू लिख दिया होगा, 180 को उन्होंने पाई लिख दिया होगा. ओके 360 को उन्होंने 2 पाई लिख दिया होगा, कुछ इसी तरह का ये वाला प्रॉब्लम है. ओके सो सिंपल सा है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं. ओके सो क्या आएगा? एल एच एस, मैं एल एच एस यहाँ पे लिख देता हूँ. कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा साइन माइनस थीटा, ओके कॉट पाई माइनस थीटा, ओके अपॉन, अपॉन में क्या है? कॉस टू पाई माइनस थीटा, ओके साइन पाई प्लस थीटा और टैन टू पाई माइनस थीटा, टैन टू पाई माइनस थीटा, ये आ गया. ओके सो कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा. ओके अच्छा पाई बाय टू मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है. सो कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज करना पड़ेगा. तो कॉट का क्या होता है? टैन थीटा होता है. कॉट का क्या होता है? टैन थीटा होता है. बट बात आती है कि साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा? तो पाई बाय टू प्लस थीटा, सो यहां पे देख लो कि ये जीरो, ओके जीरो हो गया. यहां पे है ये पाई बाय टू, ओके और यहां पे है ये पाई, ओके और ये थ्री पाई बाय टू और ये टू पाई. ओके एक राउंड 360 का करेगा तो टू पाई हो जाएगा. अभी बोल रहा है पाई बाय टू प्लस थीटा, ये पाई बाय टू ठहरा. ओके पाई बाय टू प्लस थीटा मतलब
प्लस मतलब इसमें आएगा, माइनस बोलता तो इस क्वाड्रेंट में आता। ओके, ये क्वाड्रेंट क्या होता है आशीष सर? ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर। सो फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। तो पाई बाय टू प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ओनली साइन पॉजिटिव है। सो इसका साइन क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि ओनली सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है। चलते हैं नेक्स्ट। साइन माइनस थीटा, ये तो पता है कि क्या होता है, ये माइनस इधर आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ओके, कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। अच्छा, पाई मतलब क्या होता है? पाई मतलब 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री क्या होता है? 9 × 9 = 18। सो ये 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 90 का, 90 का कौन सा मल्टीपल है? ये इवन मल्टीपल है, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। कॉट का क्या रहेगा? कॉट ही रहेगा, बट आपको साइन देखना है। सो कॉट पाई माइनस थीटा, तो ये रहा पाई, ये पाई रहा। इधर थर्ड क्वाड्रेंट में चलोगे तो प्लस होगा पाई प्लस थीटा, और सेकंड में चलोगे तो ये पाई माइनस, रिवर्स जा रहे हैं ना, तो पाई माइनस थीटा होगा। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, तो इसमें कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। अपॉन, इसके अपॉन में देख लो, कॉस टू पाई माइनस थीटा। सो कॉस टू पाई, टू पाई मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री ये इवन मल्टीपल है, तो कॉस का कॉस ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, बट प्लस होगा कि माइनस होगा ये आपको चेक करना है। सो टू पाई माइनस थीटा, सो ये टू पाई हो गया। अच्छा, ये टू पाई प्लस थीटा बोलता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, टू पाई माइनस थीटा बोल रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ओनली पॉजिटिव है, तो ये भी तो कॉस ही है, तो कॉस का क्या आएगा? प्लस कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा नहीं आने वाला। ओके, उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। अच्छा, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब इवन मल्टीपल, तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। साइन थीटा आएगा तो क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो चेक कर लो। अच्छा, साइन पाई प्लस थीटा, ये पाई रहा, प्लस बोलोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें ओनली टैन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ओके, टैन टू पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, दैट इज द टैन थीटा आएगा, बट प्लस आएगा कि माइनस आएगा इसमें डिफरेंस है, तो टैन 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई रहा, प्लस करेंगे तो इसमें आएगा, माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है कि कॉस पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस टैन थीटा। ओके, ध्यान से इस वीडियो को देखना, इस प्रॉब्लम को देख लेना बच्चों, क्योंकि ये प्लस माइनस कहाँ से आया समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर प्रीवियस लेक्चर ना देखे हो तो। आई होप कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये मैं ड्रेस क्यों चेंज करनी पड़ेगी इसके बारे में बोल रहा हूँ, या बाकी का जो आशीष सर ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर ये क्या है इसके बारे में बोल रहा हूँ, तो आपको शुरुआती दौर से सारे के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री 1 से। ये तो 2 चल रहा है, तो बेसिक से बातें मैंने सारी कुछ उसमें बता दी थी, परफेक्ट है ना। ओके, सो ये सारी चीजें वहां से आई। अगर किसी बच्चे को ये नया लग रहा है कि नहीं ये सर ने मतलब यहाँ से जो बताया ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप बेटा शुरुआत से जाके वीडियो देख लेना, आपको डेफिनेटली धीरे धीरे इस ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ओके, सो चलो अब देख लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या क्या बचता है हमारे पास? टैन थीटा, साइन थीटा और कॉट थीटा, इतना बचेगा। ओके, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्या बचता है? कॉस थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा, ये बचता है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि टैन टैन गेट कैंसिल, साइन साइन गेट कैंसिल। ओके, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचता है माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये बच गया। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो बेटा? कॉट को क्या लिख सकते हो आप? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट होता है। ओके, अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा। ओके, पहले भी ये बताया था कि ए बाय बी अपॉन सी होता है, तो हम क्या लिखते हैं? ए अपॉन बी सी, ऐसा लिखते हो। ओके, तो ये इसी फॉर्म में है, देख लो, ए बाय बी अपॉन सी, तो ये ए अपॉन बी सी आएगा। सो माइनस कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ऐसे आएगा ओके। दिस कॉस गेट कैंसल सो माइनस वन अपॉन साइन थीटा सो विच इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा होता है सो विच इज इक्वल्स टू आर एच एस सो विच इज इक्वल्स टू आर एच एस ओके। सो इस प्रकार का ये एग्जाम्पल था, नीचे में लिख लेना और उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना। क्यों बॉक्स के अंदर बंद करना है, अच्छा दिखता है एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम इनकी नजर उस पे पड़ती है उस बॉक्स पे और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, तीन मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये लिख लिया, हाँ बराबर लिख लिया, बट आपको मार्क दे देते हैं, बट आपको जब आउट ऑफ मार्क आ जाते हैं 100 out of 100, चलो ये तो थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का ले लेते हैं, 80 में से 80 आ जाता है तो कहीं पे वो हाफ मार्क या वन मार्क्स आपका काटने का ढूंढते हैं कि मैं कहाँ कट कर सकता हूँ। तो इसने बॉक्स नहीं किया है तो मैं कट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे रीजन छोटे से ढूंढेंगे वो, तो वो कट ना जाए इसलिए उनको चांस ना देना है, इसलिए उसको बॉक्स में बंद कर देना ओके। वो अच्छा भी दिखता है पेपर के लिए ओके। तो ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल तो फिनिश हो गया, ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसके बाद और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ओके। ओके तो ये लास्ट एग्जाम्पल देख लो, प्रूव द फॉलोइंग, साइन पाई बाय 15 प्लस साइन 4 पाई बाय 15 माइनस साइन 14 पाई बाय 15 माइनस साइन 11 पाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे 11 पाई बाय 15 होना चाहिए, 11 पाई बाय 15 इक्वल्स टू 0, इसके बराबर हमें ये प्रूव करना है। इसमें तीन एग्जाम्पल दिए हैं, बारी बारी से तीनों के तीनों एग्जाम्पल हम क्लियर कर देते हैं ओके। सो पहला हम ले लेते हैं, पहले में LHS लिख लो ओके। LHS क्या है, साइन पाई बाय 15 ओके प्लस साइन 4 पाई बाय 15 ओके माइनस साइन 14 पाई बाय 15 ओके माइनस साइन 11 पाई बाय 15 ये आ गया ओके। सो अब देख लो कि इसमें आप क्या बना सकते हो। इसी प्रकार के प्रॉब्लम में क्या करना है बच्चों, जो बड़ा दिख रहा है बड़ा मेंबर आपको उसे पकड़ना है। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं ओके। जैसे यहाँ पे पाई बाय 15 है, यहाँ पे 4 पाई बाय 15 है, यहाँ पे 14 पाई बाय 15 है, तो इसको हम पकड़ेंगे, इसको इस तरह से चेंज करेंगे, दैट इज द पाई, ये कैसे भी आप लिख सकते हो, पाई माइनस कुछ भी लिख लो, इन दोनों का यूज कर ला, इस एंगल में से कुछ इन दोनों का यूज करना। कैसे करेंगे, अगर पाई माइनस पाई बाय 15 करते हैं तो क्या ये वाला एंगल निकल के आता है क्या, ये चेक कर लेना, ये वाला एंगल निकल के आता है क्या ये चेक कर लेना। अगर नहीं आता तो पाई प्लस पाई बाय 15 करने से आता है क्या चेक कर लेना, अगर नहीं आता तो पाई बाय 2 माइनस करने से करना, पाई बाय 2 प्लस थीटा करने से करना। ऐसे क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है, इससे क्या हो जाएगा, ये साइन 14 पाई बाय 15 की जगह पे ये वाला एंगल आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 15, और साइन पाई माइनस पाई बाय 15 तो इसका साइन या कुछ कॉस निकल के आ जाएगा ओके। अच्छा इसमें कॉस तो नहीं है, मतलब हमें इवन मल्टीपल ही ढूंढना है, दैट इज द पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ये इवन हो गया, सो पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 15 आ जाएगा, तो ये माइनस साइन पाई बाय 15 और ये प्लस साइन पाई बाय 15 ये कैंसल हो जाएंगे। ट्रिक समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं ओके। इसको भी इसी प्रकार से कन्वर्ट करेंगे ओके। तो पहले देख लो कैसे करना है, साइन पाई बाय 15 ये तो बड़ा छोटा सा है, इसको छोड़ दो बेचारे को, जा जी ले अपनी जिंदगी ओके। प्लस साइन 4 पाई बाय 15 इसको भी छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे, इनको क्या करोगे कन्वर्ट करोगे। सो साइन पाई माइनस पाई बाय 15 ये अगर लिखते हो तो इसके बराबर ये आ जाएगा ओके माइनस साइन। अच्छा ये 11 पाई बाय 15 इसके लिए ढूंढो कि इसके रिस्पेक्ट में आप क्या लिख सकते हो, क्या है आपके पास 11 पाई बाय 15 है, यहाँ पे क्या है आपके पास 4 पाई बाय 15 है, 4 पाई बाय 15 है ओके। तो साइन है तो आपको इवन मल्टीपल ही लेना है, अगर कॉस होता तो ऑड मल्टीपल लेते, ऑड मल्टीपल है तो चेंज करते ना हम, साइन का कॉस होता और कॉस का साइन होता, बट इवन है साइन ही लाना है तो इवन मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो इवन मल्टीपल पाई ले लेते हैं पहले ओके। पहले प्लस करके देखो कि प्लस करने के बाद ये इसके बराबर आता है क्या,
15 पाई प्लस 4 पाई 19 पाई बाय 15 प्लस करने से तो बात नहीं बन रही है, अब माइनस कर दो, सो 15 पाई माइनस 4 पाई तो ये 11 पाई बाय 15 आ रहा है। तो साइन यहाँ पे क्या लिख दोगे, पाई माइनस 4 पाई बाय 15 ऐसा लिख लोगे। ओके सो अभी तो सबको पता है कि साइन पाई बाय 15 प्लस साइन 4 पाई बाय 15 ओके माइनस ये साइन पाई माइनस पाई बाय 15 सो इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, दैट इज द साइन पाई बाय 15 आ जाएगा। ओके साइन पाई बाय 15 दैट इज द पाई माइनस थीटा, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ओके तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ओके ये पाई बाय 2 ये पाई ओके ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। ओके सो अब क्या है, पाई माइनस थीटा है, ये थीटा ही हो गया ना, कुछ ना कुछ पाई अपॉन 15 मतलब कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो ये पाई माइनस है। ओके तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सो पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें तो साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ओके ऑलरेडी माइनस था और इसका साइन पॉजिटिव आएगा। ओके माइनस साइन पाई माइनस 4 पाई बाय 15 ये तो सेकंड में है, दैट इज द साइन 4 पाई बाय 15 आ जाएगा। अभी देखो ये साइन पाई बाय 15 माइनस साइन पाई बाय 15 गेट कैंसल, ये और ये कैंसल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, जीरो आ गया। आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया, तो वही तो प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। ओके नीचे बक्सा बना लेना और उस बक्से में ये वाली टर्म लिख लेना। ओके सो आई होप कि ये वाला जो है एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो मैं यहां से ये सेकंड वाला बता देता हूं, सॉरी ये थर्ड वाला बता देता हूं, ये सेकंड वाला आप लोग अब खुद से ट्राई करना कि इसके बराबर ये 2 आना चाहिए, ये लास्ट वाला जो थर्ड वाली टर्म है वो मैं बता देता हूं। ओके हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। ओके तो ये देख लो कि ये थर्ड वाला अभी हमें करके देता हूं, सेकंड वाला आप कर लेना। सो LHS क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर पाई बाय 10 ओके प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाय 5 ओके प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 5 ओके प्लस cos स्क्वायर 9 पाई बाय 10 ओके ये ओके तो सो ये आ जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 10 ये तो छोटा है बेचारा इसको छोड़ दो, cos 2 पाई बाय 5 cos स्क्वायर 2 पाई बाय 5 सो 2 पाई बाय 5 ये इसको करना है। अच्छा ये यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका कुछ भी टेंशन नहीं लेना है आपको, जैसे आप इनको ट्रीट करते हो जो रूल इनको लागू होते हैं वही रूल इन स्क्वायर वालों को भी लागू होते हैं। ओके मैं वो रूल की बात कर रहा हूं कि वो ऑड और इवन मल्टीपल वाले। ओके सो कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 5 ये हमें चाहिए, तो हम शुरुआत करेंगे यहां से, हमें क्या चाहिए पाई बाय 10 सो शुरुआत करते हैं पाई बाय 2 से। सो पाई बाय 2 लेते हो तो पहले प्लस करके देखो ये वाली वैल्यू आती है क्या, 10 पाई प्लस 2 पाई 12 पाई आएगा, 12 पाई बाय 20 दैट इज द 6 पाई बाय 10 दैट इज द 3 पाई बाय 5 आता है, मतलब प्लस तो नहीं चलेगा। माइनस करके देखो 10 पाई माइनस 2 पाई दैट इज द 8 पाई बाय 20 दैट इज द 4 पाई बाय 10 दैट इज द 2 पाई बाय 5 आ गया। सो 2 पाई बाय 5 आता है, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वेयर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10 ऐसा हम लिख सकते हैं, पक्की बात है। ओके प्लस कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10 आता है क्या, चेक कर लो तो पाई बाय 2 10 पाई प्लस 2 पाई 12 पाई 12 पाई बाय 20 दैट इज द 6 पाई बाय 10 दैट इज द 3 पाई बाय 5 ओके अब ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं आप लोगों को आना चाहिए, ये 3 पाई बाय 5 आ गया। प्लस कॉस स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 10 लिख सकते हो क्या, जरा चेक करो, 10 पाई पाई माइनस पाई 9 पाई अपॉन 10 ये भी लिख सकते हैं। ओके तो विच इज इक्वल्स टू ये आएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 ओके प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10 इसमें और इसमें कॉस स्क्वायर में फर्क क्या है,
आपको तो कॉस और साइन का चेंज तो करना पड़ेगा, बट साइन जो है वो स्क्वायर होने के कारण क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर होने के कारण हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर क्यूब होता तो निगेटिव आता। ओके, बात को समझ रहे हो। ये अगर एंगल निगेटिव भी आ गया तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस पाई बाय टेन, इसका क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल तो कॉस को चेंज तो करना पड़ेगा। जैसे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर का क्या होगा, साइन स्क्वायर पाई बाय टेन होगा। ओके, मैं अभी ये क्यू चेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आशीष सर ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर ये क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आने की संभावना नहीं है। ओके, चलो प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय टू प्लस पाई बाय टेन, दैट इज द कॉस स्क्वायर पाई बाय टू, ये तो 90 मतलब ऑड मल्टीपल, ऑड तो चेंज करना पड़ेगा, दैट इज द साइन स्क्वायर पाई बाय टेन आ जाएगा। ओके, और प्लस ये इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, दैट इज द कॉस स्क्वायर पाई बाय टेन आ जाएगा। ओके, सो देख पा रहे हो कि इसे क्या मैं ऐसा लिख दूं, ये पहले लिख देता हूं, ये बाद में लिख देता हूं। ओके, सो साइन स्क्वायर पाई बाय टेन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय टेन प्लस, ये देख पा रहे हो, साइन स्क्वायर पाई बाय टेन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय टेन, ये लिख दिया। ओके, चलो अभी देख लो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है वन। ओके, बस ये थीटा ही तो चेंज किया, थीटा की जगह पे उन्होंने पाई बाय टेन लिख दिया, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा, वन आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी वन आएगा, तो विच इज इक्वल्स टू टू, विच इज इक्वल्स टू टू। तो इस प्रकार ये वाला भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आर एच एस लिख देना, बक्सा निकाल के उनको उस बक्से में बंद कर देना। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। अच्छा, कल जो है वो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। ओके, टाइम मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा कि कितने बजे है, और उस जो डाउट क्लियरिंग सेशन में है, हम जो ट्रिग्नोमेट्री वन में जो एक्सरसाइज हमने छोड़ी थी ना, वो उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बात बतानी थी कि जो नेक्स्ट टेस्ट है वो जो है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री वन पे। ओके, इस वीक में तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट वीक में मैं टेस्ट कब होगा वो जल्दी से जल्दी होगा, आई थिंक मंडे या उसके बाद ले लेंगे, जब भी टाइम मिले हमें। ओके, बट जल्दी शुरुआत के वो तीन दिन में मैं ले लूंगा। ओके, सो आप स्टडी करना चालू कर दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री वन के लिए। ओके, और ये जो एक्सरसाइज अब बचती है इस चैप्टर की, वो वाली एक्सरसाइज इसके बाद है, तो उसको सॉल्व कर देना पूरी की पूरी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी एग्जांपल आपके लिए लेके आऊंगा, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।